सुरीर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले एक गांव में विधवा भाभी ने अपने देवर पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। सुरीर कोतवाली में न्याय की गुहार लेकर आई ये महिला सुरीर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है, जहां इसने अपने सगे देवर पर यौन शोषण का आरोप लगाकर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल ये महिला विधवा है। 6 वर्ष पूर्व इसके पति की पेड़ से गिरने से रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से वो चलने फिरने में असमर्थ था। इस दौरान देवर ने उसका हाथ थाम लिया और उससे शादी का वायदा किया और शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण करता रहा। देवर महिला को कहता था कि जब उसका भाई नहीं रहेगा तब वो उससे शादी कर लेगा। 2 वर्ष पूर्व पति की मौत होने के बाद महिला ने अपने देवर पर शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन वो टालम टोल करता रहा। लॉकडाउन से पहले वो देवर के साथ NCR में रहकर जॉब कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन से पहले उसका देवर गांव आ गया और यहां उसने शादी तय कर ली। जैसे ही इस बात की भनक महिला को हुई तो वो गांव आई और उसने इसका विरोध किया, लेकिन अब देवर उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर महिला सुरीर कोतवाली पहुंची, जहां उसने अपने देवर के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस संदर्भ में कोतवाली पहुंची पीड़िता ने और उसके साथ आए एक ग्रामीण ने जानकारी दी। तो क्या समस्या है, आप थाने आई हो? समस्या ये है, मेरे देवर है, ये 6 साल से मेरे साथ रह रहा। मेरे पति तो खाट बिस्तर में पड़े, 6 साल से रीढ़ की हड्डी टूट रही। वो बोले थे कि ये इनके एक्सपायर हो जाएंगे तो मैं जब शादी कर लूँगा। मैं ये भरोसे से रहा कि ठीक है। उन्हें 1.5-2 साल हो गई ख़त्म हुए, अब भी यही बोलता रहा, कहेगा मैं अगले महीने करूँगा, तो जब करूँगा जब करूँगा। अब क्या कहता है? अब ये लॉकडाउन में मुझे फरीदाबाद ले गया, वहाँ पर मेरी जॉब लगी और अब वहाँ से लॉकडाउन से पहले ही निकल आया। अब यहाँ पर रिश्ता हो गया सब काम, मेरे से रोज़ बात करता रहा पर मुझे अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया। अब उसकी शादी हो रही है? अब शादी हो रही थी 25 जून को, मुझे जैसे ही पता चला मैंने केस कर दिया। आप थाने आई हो, आपकी क्या मदद कर रही है पुलिस? पुलिस से मैंने कंप्लेन दे दी है, पर अभी कोई वो सुनवाई नहीं हो रही सर। कोई सुनवाई नहीं कर रही? नहीं। क्या समस्या जो थाने आए हो आप? समस्या दी है सर कि महिला है जो यानी एक आदमी के कॉन्टेक्ट पे आपको है गो, और वो आदमी जो है अब शादी करना चाह रहा है, या 8-7 साल है गई जब के बाद बच्चा भी है, और जो है ये अब 50 करो सर, मैं शादी कराऊँगा। पंच जो कह रहे हैं 50-40 हज़ार रुपये ले लें और जाए छोड़ दें। अब पंच जो है या बुआ को फेवर कर रहे हैं लड़का को। कब से साथ रह रही थी ये? या 6-7 साल है गई है। 7 साल साथ रह रही थी? हाँ। और जो है ये ऐसे राखी है जैसे जनानियाँ राखे हैं अपनी है। 9-9 बजे घर में थे, सुबह जाओगे न करके पूरी रात घर में रहो। तो अब थाने आए तो क्या कार्रवाई चल रही है? थाने में कार्रवाई चल रही है सर, जो कह रहे हैं कि जो है आज और डर जाओ, आज को और टाइम दो, जब चढ़ाएंगे तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक कोई सुनवाई ना, 4 दिन है गया हमें। हाँ, आपको रिश्ते में क्या लगता है? ये आपको देवर लगे सर थोड़ा। इनके जो पहले पति थे वो क्या हुआ? वो तो सर रीढ़ की हड्डी टूट के और जो है मारे गए। कितने दिन पहले? वो 2 साल पहले मारे गए, रीढ़ की हड्डी 6 साल पहले टूटी। अगर रीढ़ की हड्डी टूटेगा जब तक संबंध है।